दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड के बारे में। तो सिंजेंटा कंपनी का जो रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड आता है वो आखिर क्या है और इसमें क्या क्या टेक्निकल देखने को मिलता है, फसल में छिड़काव करने पर क्या क्या फ़ायदा मिलता है, उसके अलावा कौन कौन सी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, कब और कितने मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं, इसका प्राइस कितना है, डोज कितना है, क्या इसके साथ किसी दूसरे दवा को मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल्स में हम रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिडोमिल गोल्ड क्या है। तो रिडोमिल गोल्ड एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। सिस्टमेटिक यानी जो पौधे के अंदर फैल जाने के बाद वो अंदर से काम करता है उसको सिस्टमेटिक कहा जाता है, और कॉन्टैक्ट यानी जो बाहर की तरफ काम करता है यानी जैसे कि हमारे शरीर में कोई घाव होता है तो उसके ऊपर अगर कोई दवा लगाते हैं जैसे वो आसानी से वहीं पे काम करता है, दूसरी जगह पे नहीं काम करता है। इस तरीके से पौधे में भी जहाँ पे स्प्रे लगता है उसी पर काम करता है, दूसरी जगह पर नहीं काम करता है, इसको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड बोलते हैं। तो मेटालेक्सिल हो गया आपका सिस्टमेटिक फंगिसाइड और मेनकोजेब हो गया आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, तो ये कॉम्बिनेशन आपको रिडोमिल गोल्ड में मिल जाता है। अब बात आती है कि इसको हम लोग कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको आप लोग किसी भी वेजिटेबल क्रॉप में यानी सब्जी वर्गीय फसल में स्प्रे कर सकते हैं, फल वर्गीय फसल में स्प्रे कर सकते हैं, उसके अलावा फूल वर्गीय फसल में भी स्प्रे कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि इसको हम लोग जैसे फसल में स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग जैसे कि बरसात के दिन अगर फंगस का अटैक होता है काफ़ी सारा पौधे में, तो उससे पहले अगर आप लोग जिसको प्रिवेंटिव बोलते हैं उससे पहले स्प्रे करते हैं रिडोमिल गोल्ड को, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, बीमारियों को यानी फंगस को अटैक ही नहीं होने देता है पौधे में। इसीलिए रिडोमिल गोल्ड को अगर प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा रिडोमिल गोल्ड को अगर दोस्तों रोग आने के बाद स्प्रे करते हैं तो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, उसके अलावा लीफ स्पॉट को काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात आती है इसका डोज के बारे में, तो इसको आप लोग 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब काफ़ी सारे मन में डाउट रहता है किसानों को कि क्या हम इसके साथ किसी दूसरे दवा को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेटालेक्सिल और मेनकोजेब जो इसमें कॉम्बिनेशन होता है जो कि रिडोमिल गोल्ड के साथ किसी भी अगर फंगिसाइड टॉनिक या फिर किसी भी कीटनाशक को मिला के स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में एक बात आती है प्राइस। तो प्राइस की बात किया जाए तो 1 केजी का पैकेट मार्केट के हिसाब से मिल जाता है लगभग 1500 से 1600 रुपये के अंदर ही मिल जाता है। तो ये था दोस्तों सिंजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड के बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।